अब एक कैपेसिटर और रह गया है, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? ये स्फेरिकल बॉडी नहीं है, स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल बॉडी थी कि जहां सिंपली एक स्फीयर है, ये स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है और इसकी कैपेसिटी हम पहले ही फाइंड कर चुके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फेरेड। लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। एक आपका स्फीयर, ये एक स्फीयर, और इस स्फीयर का नाम मैं लिख रहा हूं ए, स्फीयर ए, यहां इसका सेंटर है और इस स्फीयर की रेडियस है स्मॉल ए, मैंने लिखा रेडियस स्मॉल ए, ठीक है। इसके ऊपर कंसेंट्रिक एक और स्फीयर, एक और स्फीयर इसके ऊपर कंसेंट्रिक, सेंटर दोनों के एक ही, बस इस बार इसकी रेडियस बड़ी हो गई थोड़ी सी। तो एक स्फीयर इसके ऊपर, इसी का कंसेंट्रिक एक और स्फीयर, ठीक है। और यहां इस बाहर वाले स्फीयर में एक लगी है कॉर्क या लकड़ी का टुकड़ा। कॉर्क का मतलब कॉर्क या प्लास्टिक या लकड़ी जिसपे करंट ना आ सके, जिस जो डाइलेक्ट्रिक है, जो नॉन कंडक्टिंग है। और फिर इस कॉर्क के थ्रू एक वायर, एक मोटा सा कॉपर वायर अंदर वाले स्फीयर तक पहुंच रहा है, और ये अंदर वाले स्फीयर से वायर और बाहर वाला स्फीयर कनेक्टेड है किससे? अर्थ से। बड़े वाला जो स्फीयर है, बड़े वाले स्फीयर की रेडियस है, इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस है बी, ए और बी, ए अंदर वाले स्फीयर की और ये बी बाहर वाला स्फीयर हो गया, इसकी रेडियस स्मॉल यू मैंने लिखी है। तो क्या होगा कि आपने यहाँ चार्ज दिया, इसे चार्ज दिया पॉजिटिव सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज से आपने जोड़ा, तो अंदर वाले स्फीयर की बाहर वाली सरफेस पर ये चार्ज आ गया पॉजिटिव, अंदर वाले स्फीयर की बाहर वाली सरफेस पर, इनर स्फीयर के आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट से इंड्यूस हुआ निगेटिव चार्ज बाहर वाले सरफेस की, बाहर वाले स्फीयर की अंदर वाली सरफेस पर, बाहर वाले स्फीयर की अंदर वाली सरफेस पर, ये बाहर वाले सरफेस स्फीयर की अंदर वाली सरफेस पर, और बाहर वाले सरफेस स्फीयर की बाहरी सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ वो अर्थ में चला गया। इस तरह से ये बन गया एक स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो तरीका वही है कैपेसिटी फाइंड करने के लिए, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो पहले हमें वी निकालना है, चार्ज आपने इसे दिया प्लस क्यू चार्ज आपने इसे दिया किसे? अंदर वाले स्फीयर को। तो बाहर वाले स्फीयर की अंदर वाली सरफेस पर, बाहर वाले स्फीयर की अंदर वाली सरफेस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, कितना? माइनस क्यू। बाहर अंदर वाले स्फीयर की बाहर वाली सरफेस पर चार्ज है प्लस क्यू। अब देखिए जरा ध्यान से, पोटेंशियल ऑफ ए, ए का दो, ए पर दो पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल? पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू किस, कैसा चार्ज है इसका? अपना पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ आउटर आउटर स्फीयर, बाहर वाले स्फीयर का नेगेटिव चार्ज। याद कीजिए अभी पीछे हमने ये बात पढ़ी थी क्या, कि कोई भी बॉडी है इसके ऊपर चार्ज है तो सरफेस पर, इसकी सरफेस पर स्फेरिकल बॉडी, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल वी कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल था। और पीछे हमने ये प्रूव कर दिया था कि जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पर है, इसके अंदर हर जगह उतना ही पोटेंशियल होना है जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पर है। सपोज इस पर पोटेंशियल होता, इस पर चार्ज होता निगेटिव,
सपोज इस पर चार्ज है, कैसा? नेगेटिव चार्ज है, तो फिर रेडियस है इसकी, मैं इसकी रेडियस लिख रहा हूं बी, तो फिर इसकी सरफेस पर, सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा? सरफेस पर पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q/बी। बी रेडियस है इसकी, चार्ज निगेटिव है, पोटेंशियल के लिए आपको निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ता है। तो अब इसके अंदर किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है? उतना ही जितना इसकी सरफेस पर है। तो इस तरह से स्फीयर एक पर दो पोटेंशियल काम कर रहे हैं, खुद इसका अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण, और क्योंकि इसके बाहर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के कारण भी इसका पोटेंशियल है। तो एक्चुअल में वी ए कितना है? वी ए आपका है कितना? खुद इसके अपने पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q/a, स्मॉल ए इज द रेडियस, और एक पोटेंशियल बाहर वाले निगेटिव चार्ज के कारण कितना? -q/b। तो यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं, वी ए इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ? वी ए हुआ q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a - 1/b। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो वी ए इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए बी इसका एलसीएम आया और ये बना b - a, ठीक है। और वी बी आपका कितना है? वी बी वही कितना? 0। क्यों? क्योंकि बी बी को तो आपने अर्थ किया हुआ है। तो अब उसके बाद में देखिए जरा क्या बनता था हमारा, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या था, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी C इज इक्वल्स टू है आपका q/v, तो C इज इक्वल्स टू q और v कितना? ये रहा v, ये रहा पूरा का पूरा, रख दो इसे उठा करके यहाँ, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b - a / a b। तो यहाँ q से q कैंसिल हुआ और ये रेसिप्रोकल बन गए, C इज इक्वल्स टू आपका बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab / b - a F। ये कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हो गई, स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें याद रखिएगा कि b बाहर वाले कैपेसिटर, बाहर वाले स्फीयर की रेडियस है, और b बाहर वाले स्फीयर की रेडियस है और a अंदर वाले स्फीयर की रेडियस है। सिंपल सी बात है, फिर से देख लीजिए आप, फिर से समझ लीजिए इसे। ये स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा है कि पहले एक स्फीयर बनाया, मेटेलिक स्फीयर होगा, होता है ये, और इससे एक तार जोड़ दिया, बाहर एक नॉब बना दी, फिर एक और स्फीयर लिया स्फेरिकल, कंसेंट्रिक, ये भी हॉलो है, और इसे जोड़ दिया बाहर वाले को आपने अर्थ से, इस कॉपर वायर के थ्रू पॉजिटिव चार्ज दिया, ये पॉजिटिव चार्ज पहुंचा अंदर वाले स्फीयर पर, पॉजिटिव प्लस क्यू हो गया, पॉजिटिव प्लस क्यू के इन्फ्लुएंस से निगेटिव माइनस क्यू इंड्यूस हो गया आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर, आउटर स्फीयर के अंदर वाली सरफेस पर, इनर सरफेस पर, बाहर वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, वो चला गया अर्थ में। तो पोटेंशियल ऑफ ए, इस ए स्फीयर का पोटेंशियल, दो दो पोटेंशियल काम करेंगे, खुद इसका अपना पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, प्लस क्योंकि दूसरे के अंदर रखा हुआ, दूसरी बॉडी के अंदर रखा हुआ है, तो बाहर वाली बॉडी ने अगर कुछ इंड्यूस किया है पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल भी रहेगा, किसका पोटेंशियल? ए का पोटेंशियल, क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर हर जगह उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसका सरफेस पर होता है। तो फिर पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a, a इज द रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, और बाहर वाले चार्ज के कारण कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट - q/b, माइनस q क्या है? नेगेटिव चार्ज है, b बाहर वाले की रेडियस है, और इसे पूरे को सॉल्व करते चले गए, v भी इसमें मेंशन भी ना करो कोई बात नहीं, ये निकल कर आया पूरा va,
और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा, तो फिर क्यू बाई और ऊपर से पूरा का पूरा पोटेंशियल आपने सब्स्टिट्यूट किया, क्यू कैंसिल हो गया, बाकी रेसिप्रोकल बन गया 4π ε₀ ए बी बाय बी माइनस ए। ये तब की बात है जबकि दोनों के दोनों स्फीयर्स के बीच में आपका बना हुआ है, दोनों स्फीयर्स के बीच में है फ्री स्पेस या एयर। और अगर यहाँ फ्री स्पेस ना हो, कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम भरा हो, तब आप यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह ले लेंगे एप्सिलॉन, जो भी मीडियम है उसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट।